बाबा चुप गया अब गरी ये उसके कादिये दीर की शादी रंगरे इधर शेर पेश है दो बार होया और इसमें काफी अभी तकरीबन दो बार इस्तेमाल किया गया क्योंकि महाराज का कोई वास्ता नहीं है जेरी गाली ना की के निसार साहब ने अंदर को दीना लाहौला वाला कुआ था इन्होंने सुनने में गलती हो सकनी क्यों मैं गल नहीं आई के अंदर कूदना मैं आख्या खाली अंदर ही नहीं है क्योंकि वो किसी ने मोहताज नहीं है अंदर ही चीज एक मुकाम पे क्या कोई चीज वो करनी जेरी किसी की मोहताज हो क्योंकि गल करो जी मलुक साहब जेरी चीज किसी की मोहताज हो वो एक जाइट मुकाम आना उसना पर जेड़ा खुद मुख्तार हो जरा पूरा हुक्म है उसने एक जाई मुकाम अंदर ही है ना वो हर जाई मौजूद है अंदर भी इसकी लोचो ये अंदर लोने तो अंदर लेती मेरा अकल नाकस नहीं है मेरा अकल नाकस नहीं है थोड़ा ढंग से गौर करो क्यों कि अंदर लोचो तो अंदर मिलती क्यों मैं बहन सरकार में शेर पड़े अब थोड़ी समझ ही नहीं गया कि वो मुख्तारा का बात उदास शरीका अब्दुल गरीब उसकी शान है पर क्या जदू उसने तलाश की थी शारात में नजदीक लिया उसने देख पर वाइया ना पता ना चलिया वो ला मकान से चला गया क्योंकि मूसा ने चाहते सुना अच्छा पड़ेगा मैं दीदार देखना चाह रहा हूं मैं दीदार चाह रहा हूं तो नबी पापा ने फरमाया ऐ मूसा तुसा मेरी झलक नहीं उठा सकने पर इतरार करने के बाद 70 लाख अजीत उपरान तू साबित है कि 70 लाख सुई ने नके ने टोटे किते जा ते इतना कुछ झलक सामने आई क्या होया मूसा गिर गया तूर जल गया तो मेरे शेर पेश करने हैं उस निशान का मलक साहब चढ़े रहो मुखातब अमरनाथ जहान का तान तंबू मैं कोई और गल नहीं की अमरनाथ जहान का तान तंबू डेरा बाहर अंदर आप ला बैठा बाहर भी उसका डेरा अंदर लिया जदू इस कुबालियां था दिया सन परदा उठा उठे वो भी चाह बैठा तू भी समझिया मैं खुदा होके तू भी समझिया मैं खुदा होके किसे चीज थी ओले भी बाहर बैठा होता ओले भी समझा किसान है तेरी अकल थी मैंने की मैं समझे किस तरह मैं बनूं खुदा बैठा इसको निकाल शेर खुशानी गलू गलू जितने साहबान आए राजा नसीर आए तो बाकी साहब आए इस वजह से पेश आना और खसूसन सड़क के इधर जाना जनाब सती साहब जी के इतने शेर और इस मजमून में और इतना पुख्ता शेरी मैंने शादी की हो रही और तमाम सामाइन वो ना सुन रहे तो सती साहब सरकार थोड़ी तवज्जो अच्छा सतलो खुराई शक ईमान शैतान का है अच्छू तेरी गल करता नाला है अच्छू करता अच्छू करी तो अच्छू ना करना वा ये खुरा शक ईमान शैतान का है का वो मेरी जात नहीं है आदम जात के ना तल्ले हनी हनी ओ मेरी जात
चाचा मेरी ये बात खुल जा। दूसरा इन आजाद के एक शेर दो दफा पेश हुआ, उसका कैसा पीछा करो अगर मैं शेर दो दफा पेश की तरह में नाराज हो जाऊं। काफिया दो दफा जाना, बात यह है बंदा पुलन आ रहा, अगर कभी मैं कुछ दो दफा शहर को पड़ी गया वहां बंदा पुला ना तो बंदा नहीं, तो आदम नसल नहीं हो सका, वो नसल शैतान आते। लेकिन मैं क्या शेर के साथ दो दफा पेश किया, अगर ये शेर में दो दफा पेश किया गया मैं मैदान छोड़ दूंगा, मेरा वादा किसाना घर का कोई बात नहीं। शेर उस्ताद इकरामी मोहतरम राजीव गोर साहब ना सरकार आए हैं। आशिक से पूछा कहाँ है वो, आशिक से पूछा कहाँ है वो, कहाँ उस मिले के उठन यार में। बहन साहब ने शेर पेश किया तो समझिया नहीं, मैं ना समझ सकता कि ये बंदे क्या समझ सकते हैं, सुनारे क्या फैसला कर सकते हैं। अगर गाना वाला समझ सकता है तो हमें शेर आ जाइए, तो ना मैं गाने का बना ना समझ सकता, ये जो सुनारे क्या फैसला कर सकते हैं। आशिक से पूछा कहाँ है वो, कहा उसने के संजार में, कहा बुलबुल ने मानो बर्बाद मेरी, जलवायु का बुलो गुलजार में। तो सावन की नमी फवार में, आमिर कोयल ने तड़प कर हमारी, आमिर कोयल ने तड़प कर हमारी, मुझसे पूछो जो उजड़े दीवार में। इना मोहतरम क्योंकि साढ़े अजीजम तो असा नई नई दिलियां तक आजाद रही लगियां पछला अफजाई भी करसा, तो नाल वो गल करसा जी मैं कीती हुई थी। मैं शेर नहीं आखा मैं है एक कभी भी जोर काफिया इस्तेमाल होया, बहरहाल मैं वो भी आखा नवर माइंड कोई बात नहीं, बंदा भुला ला रहा मैं भी भूल सकना कोई बात नहीं थी। इसके बाद इन्हें है कि तुम बहन सरकार ने शेर पढ़िया, मैं वादिया शेर पढ़िया था, कोई बंदा ऐसा ना जिसनी मैं अठ बार तशरीह की, तशरीह करने के बाद इन्हें आखा ना कि इन्हें आखा अंदर तक ही ख्या ही नहीं, तो मैं दाएं गाला की थी जरा कैसा पीछा करो, झूठे गवाह नहीं अदालत की कोई वैल्यू मकाम नहीं आना, क्यों उसकी पता ना आना मैं छठा बाजू में अदालत की क्या बात है। गल नजर करो, बेबाक करो, बेलोस करो और साफ करो, सफाफ करो, जड़ी मैं गल करता इंशाला पुख्ता करता और समाइन भी उससे इंशाला उसको मुस्तफीद होता, तो किसान के लिए इंशाला जरा है ना तो समझ तू कोई ऐसी पश्चो फारसी या संस्कृत या इंग्लिश तो मैं पढ़ी कोई नहीं जी तुम नहीं समझ तू होगा, पर बंदा पुलन आ रहा तब तक तुसा किसा और साल ही चला मैं अपने लगा रहा हाँ तो तुसा ने जान तुम्हारी गल नहीं की है, गल यह मैं किसी चीज के सब कुछ अंदर नहीं है, एक मुकाम से और चीज रह सकनी हूं बुलबुल की गल नहीं कि बुलबुल आनी उजरे बयार भी क्या सारा की जा पपिया एक गल आखना पिया आशी बार एक गल आखना पिया साथी आना नखाने का मुख्तल आशा रही है जिथे जिथे उसने इतलाह जिस किसी की उठा उठा उसकी ओर मिलिया तो उठा उठा उसकी ओर मिलिया फिर मैं बचना उसका मकाम का वो अंकी साहब से बार फिर आके ना कुछ दिते ना कले नहीं समझी मेरी जात का मेरी औकात दिते क्योंकि वो वादा उला शरीक है वो हर मकाम से याद ताई याद लेंदी तां किसी भी अगे फरियाद करता जोड़ा दुख देंदा वही सुख देंदा जो वीरान करता वो आबाद करता।